नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PhD क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, फॉर्म करेक्शन के रिगार्डिंग, जो कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हम बताने वाले हैं। और आप लोग को द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, सर बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, फॉर्म करेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी मुद्दा पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कल हम बात किए विभाग से, तो क्या अपडेट निकल के आई है, क्या बताएं, इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस सच्चाई वीडियो अपमाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आई है, कल विभाग के द्वारा क्या बताया गया, हम जब हम बात किए तो सारी जानकारी युवन वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और बताते हैं क्या अपडेट निकल के आई है और बात किए तो उसमें क्या अपडेट निकला है, आखिर कब एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म करेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र पे आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल, उसके बाद उसमें लिख देना है बिहार सिविल कोर्ट, उसके बाद सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर में आपको देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे इधर चलेंगे, देख लीजिए सबसे नीचे आप आइएगा, रिक्वायरमेंट आपको दिखेगा, उस रिक्वायरमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए विभाग के द्वारा एक देख लीजिए नोटिस जारी किया गया है, जो कि 17 अप्रैल को जारी किया गया है। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्यों बता रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इसको देखे भी हैं, डाउनलोड भी किए हैं, बट इसमें अमुख बात जो है, जो अमुख बात है वही पर आप लोग ध्यान नहीं दिए। अमुख बात क्या है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए लेटर डाउनलोड हो गया, चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं। आप लोग में बहुत सारा स्टूडेंट इस लेटर को डाउनलोड किए होंगे और एक बात नहीं दिए। दोस्तों पहली बता दिए हैं, जो बिहार सिविल कोर्ट कोई आयोग नहीं है, वह सिर्फ कमेटी बनाती है, कमेटी 8 लोग कमेटी है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो 17 तारीख के देख लीजिए लेटर जारी किया गया, जो नोटिस जारी किया गया, सभी का साइन है और एक मेंबर का इसमें जो है साइन नहीं है, देख लीजिए, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी का साइन नहीं है, देख लीजिए, जो कि मधेपुरा का डिस्ट्रिक्ट सेशन जस्टिस है, जो कि इनका साइन नहीं है। और जो इससे पहले जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, उस मीटिंग में ये भाग नहीं लिए थे, आपको पता है जो मेंबर बनाया गया मेंबर ही मीटिंग में नहीं आएंगे, तो सारा जिस मुद्दा पर बातचीत होगी, जिस मुद्दा के लिए मीटिंग बुलाया जाएगा, उसी पर एक देख लीजिए उसमें मेंबर ही गायब है, तो मीटिंग कैसे संपन्न हो पाएगी, तो देख लीजिए आप खुद देखिए, सभी का साइन है और इनका साइन नहीं है, शिव गोपाल मिश्रा जी का साइन नहीं है। तो फिर से जो कल हम बात किए, जो बात जिसे हम किए हैं, जो हमें पता चला है, तो बोले हैं देख लीजिए इसमें उस दिन मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, मीटिंग में हर चीज़ हो गया, एक मेंबर नहीं आ पाए, इसीलिए डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं, फिर से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, यह मीटिंग का डेट नहीं बताएं, यह मीटिंग का डेट बोले हैं जो 28 ध्यान दीजिए 28 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल से लेके 5 मई तक बोले हैं यह मीटिंग ऑर्गेनाइज कभी भी हो सकता है, 5 मई तक कभी भी यह मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकता है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी भी रहेंगे, तो उसी दिन फाइनल डिसीजन निकलेगा, जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, फॉर्म करेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यह लेटर तो सभी देखे होंगे जो 17 अप्रैल को ही आया है, 24 अप्रैल हो गया आपको भी पता है, बट इसमें अमुख जो बात है वो आप ध्यान नहीं दिए होंगे, वही पे हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो हम बात किए, जो बात हम किए हैं, उससे हम जो हमें उन्हें से फीडबैक मिला, जो एक बार 17 तारीख का जो नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो वेबसाइट पर अपलोड है, उसमें एक बार आप जाके उसको अच्छे से रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा जो मीटिंग हुआ उसमें क्यों नहीं फाइनल डिसीजन आएगा। इसलिए नहीं आए क्योंकि एक मेंबर ही नहीं है, पहले हम आपको बता दिए आयोग नहीं है, 8 लोगों को सिर्फ कमेटी बनाया गया है, जिसमें एक देखिए मेंबर है ही नहीं, तो 7 लोग
ही उस दिन मीटिंग में आ पाए थे, इसलिए सारे मुद्दा पर बातचीत हो गई, फाइनल मोहर नहीं लगा। तो दोस्तों पहले ही बता दिए मई में आपका एग्ज़ाम होना तय है, मई में ही एग्ज़ाम होगा, बट फिर से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मीटिंग का डेट रखा गया है 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक, कभी भी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस दिन फाइनल डिसीजन आ जाएगा जो कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, एग्ज़ाम कब कब लिया जाएगा और फॉर्म करेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल जो बात किए हैं आप लोग के द्वारा बार बार एक ही चीज़ कमेंट में मिलता है, सर बिहार सिविल कोर्ट पर कोई अपडेट दीजिए, एग्ज़ाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, फॉर्म करेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहले बता दिए पीएचटी की क्लासेज सही और सटीक जानकारी पहले ले लेता है, उसके बाद आप लोग को बताया जाता है। तो कल यही हम बातचीत किए, कल शाम में अपडेट हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद जो अपडेट हमें मिला इसलिए अभी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही वीडियो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों आप भी देख रहे हैं सबका साइन है, इनका साइन नहीं है, तो जो है आपको भी पता है जो कमेटी बनाया गया, कमेटी में एक मेंबर अब्सेंट है, तो फाइनल उस कमेटी के जो भी मुद्दा पर बातचीत होगी वह फाइनल उस पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसीलिए अब 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक मीटिंग का डेट रखा गया, कभी भी यह मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकता है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी भी रहेंगे, फाइनल डिसीजन आ जाएगा उस दिन। उसके बाद बोला गया भी है जो फाइनल डिसीजन आएगा तो आपको एक लेटर देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, स्टूडेंट को बोल दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहे। आई होप कि इस वीडियो में जो बताना चाह रहे आप समझ गए होंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जैसे ही बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा, जैसे अभी अपडेट आया तो आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आपके मन में जो भी सवाल है बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो भी सवाल है अभी सॉल्व हो गया होगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।